will start new topic, that is closed set. You all know what a closed set is in a topological space. We have already seen a definition of closed set. Can anyone recall what a closed set is? Hello? So can anyone please recall what a closed set is? Okay, so here is a question. So suppose we have a metric space XD, metric space. A set F is closed if, complete this sentence. So what is the definition of closed set in metric space? हेलो नहीं आता तो आप लोग नहीं बोलिए लेकिन चुप मत रहिए प्रिया भारती हेलो प्रिया भारती हेलो हाँ प्रिया क्या आपको मालूम है ओपन ये क्लोज सेट क्या होता है मैट्रिक्स में यस सर सर एक्स टी अगर ये मैट्रिक्स स्पेस है सर ये तो ओपन सेट जैसे डेफिनेशन होती है वैसे ही यहाँ पर होती है सर एक्स टी ये मैट्रिक्स स्पेस है अगर इसका हम एस कोई सबसेट ले लेते हैं तो एस को हम सेट कहेंगे अगर एक्स का कोई भी पॉइंट ले सर उसके कोई पॉइंट हमने एक्स लिया उसके अबाउट हम उसको सेंटर मानकर एक ओपन बॉल मिल जा रही है पॉजिटिव लेंथ की अच्छा तो सर उस सेट को हम उस सेट को क्या कहते हैं सर फिर ओपन किसे कहते हैं फिर सर जो डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं एक्स और एक्स नॉट के यहाँ पर सेंटर अगर जो हम एक्स नॉट ले रहे हैं अच्छा चलिए मैं लिख रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं वो लिखता हूँ ठीक है एफ कोई क्लोज यस सर हाँ हाँ ये बताइए क्या लिखूं सर एस इक्वल्स टू एफ इक्वल टू सर वो ब्रैकेट में स्मॉल एक्स such that हाँ sorry sir ये जो f आपने लिखा है ये आप s r और bracket में closed bracket में लिख दीजिए x not जहाँ पर f आपने लिखा है अच्छा ठीक है लिख दिया अच्छा. मैंने distance between x and x not is less than or equal to r ये क्या है ये तो closed डिस्क हो गई इसे हम क्लोज्ड बॉल कहते हैं मैंने क्लोज सेट पूछा आपसे क्लोज सेट अच्छा कोई और बताइए साक्षीपाल आप कह रही हैं अगर हम एक साक्षी आप अनुराग भारती यस सर हाँ क्लोज सेट क्या होते हैं सर क्लोज सेट होगा अगर हम कोई भी एक पॉइंट रेडियस सेंटर मतलब x नॉट को हम सेंटर मान कर ले कोई भी x नॉट रेडियस अगर हम क्या कहते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं या ओपन बॉल से करते हैं उसे सारे पॉइंट उस बॉल के अंदर लाई करने चाहिए तो हम उसको क्लोज सेट कहेंगे ओपन क्या होता है फिर ओपन क्या होता है
आपकी बात ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर ओपन की डेफिनेशन क्या होगी? सर क्लोज्ड सेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सर, एस को हम क्लोज्ड सेट कहेंगे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो मैट्रिक स्पेस एक्सटी में। हाँ ये तो अभी साक्षी ने बताया ना, साक्षी ने यही बोला था। नेहा, नेहा है यहाँ पर? नेहा बहुत, आपका रोल नंबर क्या है? हेलो नेहा, हेलो क्या आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ नेहा कौन बोल रहे? नेहा बोल रही, नेहा आपका रोल नंबर क्या है? सर 15। यस सर। अच्छा ये 15 मतलब तो आप निहारिका है, AM निहारिका है? यस सर। सर इसमें इसी नाम से वो शो होता है, इस वजह से मैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। क्लोज सेट क्या होता है बताइए सर? क्लोज सेट हम सर कई तरह से दिखाएं कर सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो अपना सारा लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा हो। अच्छा सर, तो दोनों दोनों सेम होने चाहिए ना, दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं जो पहली डेफिनेशन आपने बोली, जिसे आपने बोला कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए, ठीक है? मैट्रिक स्पेस में ये ट्रू है इफ इफ x माइनस f इज ओपन, ओके। तो यही सेम डेफिनेशन यहां भी है टोपोलॉजिकल स्पेस में। लेट x tau बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड f ए सबसेट ऑफ x, f इज क्लोज closed in X, or sometimes we call it tau closed, or we call it tau closed, okay? If its complement means X minus F is open in X, or इसका दूसरा मतलब क्या है? X minus F is an element of tau, okay? So ये definition कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं है, तो अब ध्यान रखो। ये दूसरी डेफिनेशन नेहा ने बोली, उस डेफिनेशन को हम आगे देखते हैं वो कैसे, जब मैं लिमिट पॉइंट आपको बोलूंगा बताऊंगा, उन्होंने उसमें लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो जब हम लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है और जो डेफिनेशन नेहा ने दी है वो दोनों सेम है, ओके, इक्विवेलेंट है। अभी हम एक कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। So, आप लोग मुझे कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस दीजिए। अर्पित राज, अर्पित है क्या? यहाँ नहीं है, ओके। अनुराग भारती, अनुराग, यस सर, एग्जाम्पल कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जाम्पल दीजिए, फिर हम उसके अंदर कोई क्लोज सेट देखते हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले लीजिए। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कौन सा सेट में डिस्क्रीट चाहिए? हम कोई किसी भी सेट के लिए डिस्क्रीट कहें, या कोई एक पर्टिकुलर सेट लेना चाह रहे हैं आप? ओके, आप एक्स टाओ, एक एक्स डी हम उसको लिखते थे, एक्स डी बी डिस्क्रीट, ओके। तो आपको मालूम है डी
is the collection of all subsets of X. D is the collection of all subsets of X. तो क्या आप बता सकते हैं कि इस एक्स डी में कौन से सेट क्लोज्ड होंगे, एक्स के कौन से सबसेट्स क्लोज्ड होंगे? आपने अर्पित, हेलो अर्पित, आप सुन पा रहे हैं? अर्पित नहीं है सर, सॉरी अनुराग, अनुराग आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, आपने मुझे बोला डिस्क्रीट स्पेशल है, ठीक है, आप मुझे कोई ये बताएंगे इसमें कौन सा सबसेट एक्स का वो क्लोज्ड होगा? क्या एक्स क्लोज्ड है? इज एक्स क्लोज्ड इन एक्स? साक्षी सर, आप स्क्रीन विजिबल ही नहीं हो रही है, किसी को भी विजिबल नहीं है? यस सर। यस सर मतलब विजिबल नहीं है कि विजिबल है? विजिबल नहीं है। नहीं किस, अनुराग आपको भी विजिबल नहीं है? सर हमको देख शो हो रही है, तो इधर से तो सब ठीक है, तो आपके में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। तो ये बताइए क्या एक्स क्लोज्ड है एक्स में? अभी डेफिनेशन देखिए, हमने इस एफ की जगह एक्स लिया है, ये क्लोज्ड होगा अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन होता है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या है? हेलो अनुराग। यस सर, यस सर। हाँ, क्या है इसका कंप्लीमेंट? अरे भैया ये कंप्लीमेंट होता है x माइनस f, तो यहाँ पर f की जगह हमने दिया है x, तो x माइनस x क्या है? ओपन होगा। अरे x माइनस x क्या होता है पहले ये बताइए। हाई सर। हाँ एम्प्टी सर। ओके, फाइव किसने बोला? दिस इज एन एम्प्टी सेट। ओके, सो सिंस एम्प्टी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ डी, सो इट इज ओपन, सो कंप्लीमेंट ऑफ एक्स इज ओपन, देयरफॉर एक्स इज क्लोज्ड। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? इज एम्प्टी सेट क्लोज? Is empty set closed? Neha? Niharika? Yes sir. Yes sir. Kya? Empty set closed hoga? सर अगर हम x को ओपन लेंगे तो एम्प्टी सेट को क्लोज बोल सकते हैं, और अगर उसको ओपन नहीं ले रहे हैं तो इसको सर ओपन, उस अगर x को हम क्लोज ले रहे हैं तो इसको ओपन बोलेंगे। रुकिए, आप ये बताइए टोपोलॉजिकल, इस टोपोलॉजी में x और एम्प्टी सेट होता है या नहीं होता? किसी भी टोपोलॉजी में, आप कोई भी टोपोलॉजी उठाइए, उसमें क्या होता है, कौन से दो एलिमेंट हमेशा रहते हैं? तो इसका मतलब हम वो ले या न ले ऐसा तो है ही नहीं, वो तो हमेशा ओपन है। नेहा ये बात समझ में आई? नेहा यस सर टोपोलॉजी में सर वो ओपन रहेगा सर, मैं सोच रही थी उसको। नहीं जनरली क्या मतलब, अभी हम टोपोलॉजिकल स्पेस से जनरल गए नहीं, हम इसी में। तो आप ये बताइए कि क्या एम्प्टी सेट क्लोज्ड होगा? नहीं सर। अरे
एम्प्टी सेट क्लोज फिर से डेफिनेशन क्या है? आपने खुद डेफिनेशन बताई थी ना, अभी दो डेफिनेशन आपने बताई। यस सर, एम्प्टी सेट क्लोज हो ओपन एंड क्लोज एज वेल। ये कौन sir, बोल रहा है? ओपन एंड क्लोज दोनों होगा एम्प्टी सेट। आपका नाम साक्षी पाल। हां साक्षी, एम्प्टी सेट क्लोज, एम्प्टी सेट ओपन होता है क्योंकि वो टोपोलॉजी का एलिमेंट है, वो क्लोज होगा क्योंकि इसके कंप्लीमेंट एक्स होता है। यस सर। और वो टोपोलॉजी का एलिमेंट है। सर ट्रिवियल जो होते हैं वो क्लोज्ड एंड एज वेल एज ओपन दोनों होते हैं। हां हां ठीक है, एम्प्टी सेट और एक्स जो है हमेशा क्लोज्ड और ओपन होगा हर टोपोलॉजी में। ठीक है, अब बात आते हैं कोई एक आर्बिट्रेरीली चूजन सबसेट इन दिस। सो टेक ए सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी सबसेट लिया आपने, ठीक है, और आपने यहाँ पर बोला है कि जो डी है, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, उसमें सारे सबसेट हैं एक्स के। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है, ए कोई आर्बिट्री सेट है, इज ए क्लोज, इज ए क्लोज्ड इन एक्स, एक्स डी मैं लिख देता हूं, बताइए। फिर से ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में उसके जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सबसेट्स हैं एक्स के। अभी हमने क्या लिया, एक कोई आर्बिट्रेली चूजन सबसेट ए लिया है एक्स में। क्वेश्चन है क्या ए क्लोज्ड होगा? और मुझे लगता है इसका आंसर बहुत जल्दी मिलना चाहिए, आप लोग लेट कर रहे हैं। साक्षी अनुराग। यस सर। हाँ बताइए, क्या एक क्लोज होगा? सर क्लोज होगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा जीरो होगी या वन होगी, इसलिए क्लोज ही होगा ना ये। अरे सुनिए भैया, हमने अभी मैट्रिक की तो बात ही नहीं करी, हम मैट्रिक कहाँ आ गए आप? हमने तो मैट्रिक कहीं पर, मैंने मैट्रिक नाम लिया यहाँ पर, कहीं पर डी, मैंने डी एक्स वाई कहीं पर भी लिखा है? नहीं लिखा है ना, मैं केवल टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप मैट्रिक में मत जाइए। सिंपल से क्वेश्चन था, ए क्लोज होगा या नहीं होगा किस पर डिपेंड करता है? इसके कंप्लीमेंट पे। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट को देखो ना, उसमें सोचना क्या है इतना। सुभाष अग्रहरी है इसमें? यस सर। सुभाष क्या एक क्लोज्ड होगा? अच्छा, एक क्लोज्ड होने के लिए क्या कंडीशन है सुभाष? x माइनस ए ओपन होना चाहिए सर। हाँ, x माइनस ए ओपन होना चाहिए, और ओपन कौन से सेट्स हैं? x के सेट्स ओपन है सर। x के कोई भी सबसेट ओपन है? यस सर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑल में सारे हो गए, कोई भी लो वो ओपन है। yes, क्या x माइनस ए सबसेट है x का? इज x माइनस ए सबसेट ऑफ x? सुभाष अरे सुभाष, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था, याद है? यस सर। हाँ यस सर। ये देखो, ये x था, ठीक है, ये x था, ये पूरा का पूरा x था, इसके अंदर हमने एक a लिया, अब a को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हम, अरे यार ये तो पूरे ही गायब हो गया, रुकिए। एक हम हटा रहे हैं,
तो ये जो बचा है वो x का सबसेट है, वो x का सबसेट है, यस सर, ठीक है। सो ये है x का सबसेट, ये x का सबसेट है। सो दिस इंप्लाइज x माइनस a इज एन एलिमेंट ऑफ d डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो x माइनस a ओपन है, so this implies a is closed. तो कोई भी सबसेट ले आप x का डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, वो क्लोज्ड होगा। आई बात समझ में? इज दिस ओके फॉर ऑल? यस सर। अच्छा, अभी दूसरा एग्जांपल, अभी हमने डिस्क्रीट देखा, अब ये इनडिस्क्रीट देखते हैं। ओके, x एंड i इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो i क्या है? i यहां पर है एम्प्टी सेट और x, ठीक है। आपने बोला था कि एम्प्टी सेट और x तो हमेशा क्लोज्ड होते हैं और ओपन भी होते हैं, ये ठीक है। अब मैं x को ले रहा हूं a कॉमा b, ठीक है। क्या एक सबसेट है a x का, इज a क्लोज्ड? इज a क्लोज्ड इन इन इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस? सिंपल सा, देखो जब भी आपको ये पूछा जाए, सबसे पहला काम करो इसका कंप्लीमेंट देखो। इसका कंप्लीमेंट क्या है सुभाष? सर बी होगा, बी होगा ना, एक्स माइनस ए इज बी। क्या बी, क्या बी टोपोलॉजी का पार्ट है? नो सर, नो सर, ये वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ए क्लोज नहीं है। ओके, ए इज नॉट क्लोज। तो आप सिमिलरली दिखा सकते हैं कि बी भी क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर बात आती है कि जब भी हमने ये देखो, यहाँ पर दो एलिमेंट लिए उसमें नहीं है, तीन लोगे तब भी नहीं होगा, चार लोगे तब भी नहीं होगा, लेकिन अगर केवल एक लेते हो x इक्वल टू a, ओके, हम केवल x सिंगलटन सेट है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा जब x एटलीस्ट, x में एटलीस्ट दो एलिमेंट हैं, तो उनके जो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमें केवल दो ओपन और दो क्लोज सेट मिल रहे, जो कि एम्प्टी सेट और x हैं। अब बात करते हैं जब x जो है केवल एक सिंगलटन सेट है, ओके, आपने उसको बोल देते u, बोल देते x केवल u है, तो इसका मतलब फिर से आपके पास इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में p आया और u आया, मतलब ये कि x आया, ठीक है। तो आप जानते हैं सिंगलटन टोपोलॉजी में, सॉरी सिंगलटन सेट में इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर x और phi ये दो क्लोज्ड भी है एंड ओपन भी है, ठीक है। तो ये केवल एक ऐसा सेट है सिंगलटन सेट जहां पर इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में उसके हर एक सबसेट जो है वो क्लोज्ड भी है ओपन भी है, क्योंकि इसके पास दो ही सबसेट है। जैसे ही आपकी कार्डिनलिटी बढ़ेगी, बाकी सबसेट जो जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो क्लोज्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा और टोपोलॉजी। अब हम यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं आर में, तो आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, तो कोई बताएगा ये यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती थी? प्रतिभा रजावत, हेलो प्रतिभा, यस सर, यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है? प्रतिभा आप सुन रही हैं? हेलो
ये अभी इन्होंने यस सर बोला और ये गायब हो गई, क्या हो क्या चक्कर भाई? प्रतिभा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या आपको ये मालूम है या नहीं मालूम है? हाँ या ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधी सी बात करते हैं, आपको ये मालूम है या नहीं मालूम है? प्रतिभा आज अर्पित, दीपक गौतम, दीपक गौतम, यस सर, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? सर सुनाई दे रही है। हाँ, मैं क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके बारे में हम लगभग लगभग हर एक क्लास में बात कर रहे हैं, यूजुअल टोपोलॉजी। पहली क्लास से लेकर आज तक मुझे लगता है हर दिन यूजुअल टोपोलॉजी का नाम आया है। साक्षी, कौन बता, किसको मालूम है ये, कोई एक खुद से बताएं। अब अनुराग भारती, अनुराग सर, कलेक्शन ऑफ आर ओपन इंटरवल्स इन आर यूजुअल टोपोलॉजी। क्या 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 सही बोले, क्या बोले सर? आर ओपन इंटरवल्स ऑफ आर इन आर। ओके, आपको हल्का फुल्का याद है, आप ये पढ़ के बोल रही हैं या आप, आपको ये मालूम है? नहीं सर मालूम है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें। सो टोपोलॉजी सर, सर यस सर, जनरेटेड बाय ऑल ओपन इंटरवल्स इज द यूजुअल टोपोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है, अगर टोपोलॉजी का बेस कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स है, उसे हम टोपोलॉजी तैयार। ठीक है, हेलो, यस सर, ठीक है, यस सर, ओके। अब बात करते हैं, एक सेट लेते हैं ए बी जो कि है ऑल रियल नंबर, वेयर दिस एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी विद इंक्लूडिंग ए एंड बी। इज दिस सेट क्लोज, इज दिस सेट क्लोज, अर्पित राज, ओके, सुभाष अग्रहरि, यस सर, सर होगा ये है यूजुअल टोपोलॉजी में, क्या ये सेट क्लोज्ड है? नो सर, ओपन होगा सर। अच्छा, ओपन होगा, ओके, ये सुभाष बोल रहे हैं कि ये ओपन होगा। और किसी से बात करते हैं, प्रिया भारती, यस सर, लोग, हाँ प्रिया बताइए, क्या ये सेट है यूजुअल टोपोलॉजी में? सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया, उसके ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन की,
हमने बात कर ली है यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपने ये सुना होगा। क्वेश्चन है इज दिस इंटरवल ए बी क्लोज्ड इन आर। यस सर, क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा? क्योंकि सर अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे आर में तो सर ये कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल सही है। तो अगर कौन सा आर माइनस ए बी क्या होगा बताओ सर? अगर हम सर माइनस इनफिनिटी कॉमा ओपन इंटरवल ए और सर यूनियन ऑफ ओपन बी कॉमा प्लस इनफिनिटी। ओके, तो ये ऐसा है, यहाँ पर ये रियल लाइन था, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये क्लोज। अब इसका कंप्लीमेंट देखेंगे तो ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम ले नहीं रहे ए को, और इधर से ये वाला पार्ट रहेगा। सो दिस इज माइनस इंफिनिटी टू ए ओपन, देन बी टू इंफिनिटी ओपन। और आप जानते हैं अगर बेस ओपन इंटरवल्स हैं तो उनका यूनियन ओपन सेट होगा। ओके, सो दिस इज ओपन सेट, दिस इज ओपन, सो देयरफॉर ए बी इज क्लोज इन द यूजुअल टोपोलॉजी। ओके, इज दिस करेक्ट? यस सर। अच्छा, अभी दूसरा देखते हैं, ये वाला सेट देखते हैं, ए कमा बी। ये सब जानते हो क्या है, ये है ऑल दो एक्स इन आर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। क्या ये सेट ओपन है या क्लोज, सॉरी ये सेट क्लोज्ड है? इज दिस सेट क्लोज्ड? यस। क्यों सर? क्योंकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूजुअल टोपोलॉजी में बिलोंग नहीं करेगा सर। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आर माइनस ए बी इक्वल टू माइनस इनफिनिटी और ओपन रहेगा ए पे यूनियन बी पे क्लोज रहेगा सर बी कामा इनफिनिटी। अच्छा, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा। ये ओपन क्यों नहीं है यूजुअल टोपोलॉजी में, इसका कारण क्या है? क्योंकि सर ये क्लोज है यहाँ पे बी पे। हाँ तो हाँ, वो हमें कैसे पता चलेगा? टोपोलॉजी में नहीं, सारे ओपन इंटरवल चाहिए। हाँ तो ये ओपन क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी के बेस में इंटरवल चाहिए, लेकिन ओपन सेट्स तो उनके यूनियंस होते हैं, तो यहाँ पर ये इसको हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट बी में देखें, बी को लें यहाँ पर, इसका नाम आई दे रहा हूँ, अगर बी इस इंटरवल आई में है, ये जो कि हम जानते हैं ये है, एक ये एलिमेंट लेते हैं, इसको कंटेन करने वाला कोई भी बेसिस, इसको B को कंटेन करने वाला कोई भी बेसिस इस फॉर्म का होगा, होगा ना? B को कंटेन करने वाला कोई भी इंटरवल इस फॉर्म का होगा, B माइनस एप्सिलॉन B प्लस एप्सिलॉन का, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। इज दिस ट्रू? लेकिन ये जो है ये इसके अंदर नहीं है, I के अंदर नहीं बैठेगा, कभी भी नहीं बैठेगा, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं ये b कमा इन्फिनिटी इधर की ओर था, जब भी आप b माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो ये एक हल्का सा इधर देगा, ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, है ना? तो ये ओपन नहीं है, तो इसलिए दिस सेट a दिस इंटरवल इज नॉट क्लोज। अभी देखते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी, r में कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ओके, r with co-finite topology.
ओके तो सबसे पहले देखते हैं वो जो इंटरवल ए कॉमा बी था, इज दिस इंटरवल क्लोज्ड इन आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी? बताइए, हमने देखा था कि ये यूजुअल टोपोलॉजी में तो भैया ये क्लोज्ड था, क्या ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी में भी क्लोज्ड है? हेलो, नेहा? अच्छा, ये आप रिकॉल कर सकती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी टाउ क्या होता है? ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी कोई भी आप में से किसी जिस आप में से कोई ऐसा है जिसको आता है? हाँ बहुत बढ़िया, किसी से बोला सी एक्स कोई ले एक्स के उन सबसेट का कंसेप्शन होगा जो या तो फाई होगा या तो एक्स माइनस जी आपका फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया, हम यहाँ एक्स को आर ले रहे हैं, ठीक है? तो ऑल दोज सबसेट्स ऑफ आर सच दैट जी इज इधर एंटी सेट और एक्स माइनस जी, आर माइनस जी is finite. Okay. अच्छा देखते हैं क्या ये closed है? तो इसके लिए आपको क्या देखना है? इसका complement देखना है। इसका complement क्या होगा? R minus a comma b है कि नहीं? R minus a comma b क्या ये tau में है? This belongs to tau? मतलब क्या ये ओपन है इस टोपोलॉजी में? तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं कि आप R माइनस जी देखते हैं। अभी ये G हो गया आपका, ठीक है? This is your G. ये G tau में तभी होगा जब R माइनस जी क्या होगा? Finite होगा। तो let us R माइनस जी, let us do this. This is R minus a comma b. ये simply आ जाएगा a comma b. Okay? क्या ये finite है? Is this finite? हाँ? Yes. किसने yes बोला? किसने yes बोला? वो कौन है? सुभाष। हाँ सुभाष, यस सर। अच्छा ओके, कौन कहता है कि ये फाइनाइट है? हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ए और बी नॉट इक्वल लेके चल रहे हैं, ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, अगर ए इक्वल टू ए होगा तब तो आपको मालूम है कि सिंगलटन है ये। इफ ए नॉट इक्वल टू बी देन इज दिस सेट फाइनाइट? आपने ये पढ़ा है काउंटेबल अनकाउंटेबल फाइनाइट इनफाइनाइट ये सब पढ़ा है? हाँ सर, ये फाइनाइट नहीं अनकाउंटेबल है, ये बिलोंग नहीं करता सर। अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट होगा। इफ ए नॉट इक्वल टू बी, इफ ए नॉट इक्वल टू बी देन दिस सेट इज नॉट फाइनाइट, दिस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, अगर a इक्वल टू b हो जाता है उस केस में ये फाइनाइट है, क्योंकि ये उस केस में ये सिंगलटन सेट है, ठीक है? इफ a इक्वल टू b इन दैट केस दिस इज सिंगलटन सेट एंड इट इज फाइनाइट, अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सेट। सो तो आपको यहां से क्या पता चला कि r माइनस g फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब ये जो g है tau में नहीं है, इसका मतलब ये जो पार्ट था दिस is not in tau, okay? So ये open नहीं है,
तो इसका मतलब ए बी क्लोज्ड नहीं होगा. तो दिस इंप्लाइज दिस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल जिसे आप कहते थे ये ओपन दिस इज नॉट क्लोज्ड इज नॉट क्लोज्ड इन आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी. ओके तो बात आती है तो कौन से सेट क्लोज्ड होंगे. देखते हैं कौन से सेट क्लोज्ड होंगे. तो वो सेट क्लोज्ड होंगे जिनके लिए ओके हम देखते हैं कौन से सेट क्लोज्ड होंगे. ओके जी इन आर इज क्लोज्ड ये कब होगा इफ एंड ओनली आर माइनस जी इज ओपन. ओके ओके सो हम नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं क्योंकि एम्प्टी सेट तो हमेशा क्लोज्ड और ओपन दोनों होता है. नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं सो ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ आर माइनस जी इज ओपन. अब लेकिन आप जानते हैं आर माइनस जी कब ओपन होगा जब आर माइनस जी क्या है फाइनाइट होगा. तो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ आर माइनस जी इज फाइनाइट. ओके ओ सॉरी यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए मैंने गलत लिख दिया था. कोई बताएगा आर माइनस जी मैं ओपन लिख रहा हूं तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए. अनुराग सर देन ए इज क्लोज्ड क्या एक मिनट यहाँ पर मैंने यहाँ से मैं केवल अभी इतना पार्ट में आप देखो सर आर एक नॉन एम्प्टी सेट लिया आर माइनस आर माइनस डी इज फाइनाइट. ओके इसका मतलब क्या है जी इज फाइनाइट. ओके सो इसका मतलब क्या मिला कोफाइनाइट टोपोलॉजी में फाइनाइट टोपोलॉजी में जो भी नॉन एम्प्टी क्लोज सेट होंगे वो क्या होंगे फाइनाइट सेट होंगे. ठीक तो ये ध्यान रखो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ कोई अभी ऑफ ए कोफाइनाइट स्पेस इज क्लोज. अब सिमिलरली आप कोफाइनाइट जैसे क्या ऐसे ही आप को काउंटेबल करते हैं याद है को काउंटेबल टोपोलॉजी वहां पर होता था कंप्लीमेंट या तो वो सेट एम्प्टी हो या फिर उसका कंप्लीमेंट काउंटेबल हो उसको को काउंटेबल कहते हैं. तो ये जो फाइनाइट रिप्लेस हो जाएगा वो काउंटेबल से. ओके तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप लोग इसको पढ़िए और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि केवल हम एग्जाम्पल्स में ही नहीं रह पाएंगे हमको और भी चीजें देखनी है. तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक. हेलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें. नो सर नहीं अभी हम देखते हैं. अभी हमने क्या क्या चीजें नोट करी है. अगर हमारे पास x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है. ओके इफ x एक टोपोलॉजिकल स्पेस. सर एक्सक्यूज मी सर. क्या हाँ बोलिए कौन बोल रहा है पहले नाम बताइए. सर अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हम जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसको काउंटेबली इनफाइनाइट लेंगे तो भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा सर. एक मिनट आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए. आपने को काउंटेबल टोपोलॉजी बोला उसमें. हाँ सर देखो सर उसमें जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा इसका कॉम्प्लीमेंट सर को काउंटेबल टोपोलॉजी में उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है या तो फाइनाइट होना चाहिए सॉरी काउंटेबल होना चाहिए या फिर एम्प्टी सेट होना चाहिए. हाँ उसका मत कीजिए कि आप तो सर अगर काउंटेबली सुनिए प्लीज पहले सुन लीजिए. आप जो वो वर्ड उसका यूज कर रही ना उसका से आप रिप्लेस करिए प्रिसाइज जो भी आप कहना चाह रही वो उसका क्या उसका वो क्या है. ओके सर सॉरी किसका वहां पर मुझे मालूम नहीं पड़ रहा सर. अगर हम कॉम्प्लीमेंट को
countably infinite ले तो भी satisfy करेगा सर. एक मिनट. काउंट, हाँ countable के सर, क्योंकि countably infinite भी हो सकता है ना. हाँ, हम वहाँ पर countable कर रहे हैं, इसका मतलब हमने finite नहीं कहा, हमने countably कहा, इसका मतलब countably infinite अपने आप आ गया. ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ tau all those subsets of x, इसको मैं को countable कर tau cc लिख देते हैं, all those subsets of x such that either this g is empty set or x माइनस जी इज काउंटेबल. हमने यहां पर कहीं भी फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं बोला, तो जब भी काउंटेबल की बात करते हैं तो आपको मालूम है काउंटेबल सेट क्या होता है. यहां पर हमेशा एक वन वन ऑन टू मैप मिलेगा फ्रॉम दिस सेट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो भी आपके आंसर. ठीक है, तो countable में countable infinite हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अभी हम कुछ इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं. X कोई topological space है, topological space, then you know ये चीज आपने पढ़ लिया, P and X these are closed. ओके, ये आप जानते हैं कि क्लोज हैं. अब आपको याद है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्यों, कौन कौन जानता है इस लॉ को? हेलो, डी मॉर्गन्स लॉ कौन कौन जानता है या कौन नहीं जानता, मतलब मुझे लगता है सभी को मालूम होना चाहिए. निहारिका? यस सर. डी मॉर्गन्स लॉ मालूम है आपको? यस सर. क्या होता है बताइए. सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ. अच्छा, आप ऐसे गेस करिए कौन सा वाला है, क्या बताता था वो? आई थिंक अगर दो सेट का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले रहे हैं तो वो उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा. हाँ, ये यही डी मॉर्गन्स लॉ है. ठीक है, इसी का यूज करना है. अभी देखो, आपने ये चीज पढ़ा था कि ओपन सेट पी एंड एक्स दोनों ओपन होते हैं. आपने ये पढ़ा था कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. अब मान लेते हैं कोई सेट जी आई ओपन है. ठीक है, आई इन आई, तो आपने पढ़ा कि यूनियन आई इन दिस जी आई ये भी ओपन होगा. आप जानते हैं कि अगर कोई सेट ओपन है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड होगा. उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, तो इसका मतलब ये ओपन सेट थे, तो इसका मतलब x माइनस जी आई ये सब क्लोज्ड हैं. दीज आर क्लोज, ये सब क्लोज्ड हैं. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है. किसको? क्या ये किसी को भी विजिबल नहीं है? विजिबल है, थोड़ा वेट करिए तो अपने आप आएगा वो. तो हम कह रहे हैं कि हमने ये चीज हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, जिसको मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा. अब हम इसी का यूज कर रहे हैं, सिंस जी आई आर ओपन so x minus gi are closed. अब आप जानते हैं union of gi, okay,
आई इन हियर दिस वाज ओपन. सो इसका मतलब सिंस दिस इज ओपन ओके दिस इंप्लाइज एक्स माइनस यू डी एन आई इन दिस इज क्लोज दिस इज क्लोज ओके. अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा. अब ये जो पार्ट है ये डी मॉर्गन का यूज कर रहे हैं अब यहाँ पर. इसको हम लिख सकते हैं यूनियन आई इन इंडेक्सिंग सेट जी आई कॉम्प्लीमेंट ओके. और जो अभी अभी नेहा ने बताया वो ये है कि ये जो होगा दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ आई इन इंडेक्सिंग सेट जी आई कॉम्प्लीमेंट. और आप जानते हैं कि ये जो जी आई कॉम्प्लीमेंट थे ये सब क्लोज थे. तो यहाँ पर क्या मिला आपको आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज. तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ और मिला आपको. आपने इसको इसको आप नोट करते जाइए. आप इसको रिलेट करिए टोपोलॉजी की डेफिनेशन से. जब आप ओपन कह रहे थे एम्प्टी सेट एंड एक्स बोथ वर ओपन. फिर आप कह रहे थे कि यू आर्बिट्री ओपन सेट इज ओपन. यहां पर आप कह रहे हैं कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज. ओके. इसके बाद आप कहते थे फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. तो फाइनाइट को हम दो से रिप्लेस कर रहे थे. जी और एच जो है दो ओपन सेट है. सो दीज आर एलिमेंट्स इन टाउ. सो एंड जी इंटरसेक्शन एच इज ऑल्सो ओपन. तो जब जी इंटरसेक्शन एच ओपन है इसका मतलब एक्स माइनस जी इंटरसेक्शन एच ये क्लोज्ड होगा. ओके. सो क्या क्लोज होगा. दिस इंप्लाइज जी इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट इज क्लोज. बट व्हाट इज जी इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट. दिस इज नथिंग बट जी कंप्लीमेंट यूनियन एच कंप्लीमेंट. सो दिस इज क्लोज. ओके. सो यहां से क्या मिला. क्योंकि जी और एच दोनों ओपन थे इसका मतलब जी कंप्लीमेंट एंड एच कंप्लीमेंट बोथ आर क्लोज. इफ दीज टू आर क्लोज देन देयर यूनियन इज क्लोज. तो आपको क्या मिला फाइनली. आपको मिला फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड. ओके. अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ. आपको कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन देता हूँ. मैथमेटिक्स में पार्ट होता है एक सब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं एल्जेब्रिक ज्योमेट्री. एल्जेब्रिक ज्योमेट्री. ओके. यहां पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं देयर इज की टोपोलॉजी. देयर इज की टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ओपन की मदद से नहीं वो क्लोज्ड की मदद से आती है. तो देयर इज की टोपोलॉजी में एक सेट होता है जो जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एम्प्टी सेट एंड एक्स आर क्लोज्ड. देन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड. देन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड. ये सब देखते हैं तब आप कहते हैं कि वो एक देयर इज की टोपोलॉजी बनाता है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का. बहुत ही ब्यूटीफुल है. कोई पढ़ना चाहे तो इसको आगे पढ़ सकता है. ये बहुत एडवांस टॉपिक होता है. तो आप लोग जब मान लो कोई पीएचडी में जाए तो ये टॉपिक हमेशा पढ़ने की सोचना एक बार. ठीक है. तो ये था क्लोज सेट से भी एक हम टोपोलॉजी बना सकते हैं जिसको हम जेरिस की टोपोलॉजी. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग ओके.
एक मैं थ्योरम आपको स्ट्रेट करता हूँ जिसका प्रूफ आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि वो बहुत इजी सा है, वो आप लोग खुद से देखेंगे तो आ जाएगा आपको. लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड f ए सबसेट ऑफ x. सो ओके, f एस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x. तो इसको मैं लिखता हूँ funny, let us call this funny. Okay, funny f is the collection of subsets of x. So this is collection of subsets of x. Okay, और ये जो p x लिखा है ये power set. And f this collection satisfies the following. Number one, phi and x, these are in f. Second, f is closed under arbitrary intersection. Okay. Third, f is closed under finite. So, देखो जो अभी आप लोग ऊपर पढ़ा है मींस ये क्लोज सेट्स का ही ऐसा कुछ आ रहा है, ये सारे क्लोज सेट के कलेक्शन है. देन वी डिफाइन आओ, अब आपने ये नोटिस किया कि ये क्लोज सेट के क्लोज सेट का कलेक्शन है, तो अगर हम कंप्लीमेंट लें उन सेट्स के ओपन होंगे तो टाउ को डिफाइन करते हैं. टाउ वो सारे सेट हैं, सबसेट हैं के जिनका कंप्लीमेंट एफ में है. इसका मतलब कंप्लीमेंट क्लोज्ड है. ओके, देन सो दैट टाउ इज ए टोपोलॉजी. टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए आपको एम्प्टी सेट और एक्स को टाउ में दिखाना होगा. आर्बिट्री यूनियन ऑफ सेट्स कमिंग फ्रॉम टाउ, सॉरी आर्बिट्री यूनियन ऑफ एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम टाउ इज अगेन इन टाउ, ये दिखना होगा. देन फाइनाइट इंटरसेक्शन एलिमेंट्स ऑफ टाउ इज इन टाउ, ये दिखाना होगा. ओके, एंड दिस एफ इज द फैमिली ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ. अगर आप इसको टोपोलॉजी दिखा देते हैं तो ये टाउ क्लोज्ड होगा ही, क्योंकि जी सारे ओपन हो जाएंगे, एक्स माइनस जी क्लोज्ड होंगे इसका मतलब. ओके, सो वो क्लोज्ड होगा, ये दिखाना बहुत इजी है. नाउ आई गिव यू सम टू डेफिनेशंस. डोर स्पेस, तो ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ is called door space if every subset of x is either tau open or tau closed. Okay, ya to wo tau open hai ya tau closed hai. Agar aise set aisa koi space hai to use hum door space kehte hain. For example, discrete space, okay, discrete space जो है वो space है, उसका कोई closed, वो means वो दोनों है, वो open भी है और closed भी है. Okay, तो वो हमेशा door space है. Indiscrete space, अगर indiscrete space किसी set X में जहाँ पर X के पास दो या उससे ज़्यादा element हैं, तो वो door space नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने देखा था जब x को हमने दो कार्डिनलिटी दो का सेट लिया था, उस केस में उसके कोई भी सबसेट प्रॉपर सबसेट वो क्लोज्ड भी नहीं है, वो ओपन भी नहीं है. तो इंडिस्क्रीट स्पेस में, इंडिस्क्रीट स्पेस डोर स्पेस तभी होगा जब वो किसी सिंगलटन सेट के ऊपर. देन आप चेक कर सकते हैं सरपेंसकी स्पेस,
सरपंच की अगर किसी को याद नहीं है तो मैं लिखना हूँ क्या होता है, तो मैं उसको टाउ एस लिख देता हूँ सरपंच की के लिए एम्प्टी सेट एक्स और ए। और ऐसे ही हमने वीआईपी स्पेस बनाया था तो वो भी डोर स्पेस होता है, दिस इज ऑल्सो डोर स्पेस। ओके आप देखते हैं डिस्क्रीट स्पेस में सारे के सारे सबसेट ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। ओके ऐसे सेट्स जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं उसे हम क्लोपन कहते हैं, क्लोपन दोनों को एमलगमिनेट कर दिया, क्लोपन क्लोज्ड देन ओपन, क्लोपन क्लोपन सेट मींस बोथ ओपन एंड बोथ open and closed, a set with both open and closed is called clopen set. Now with you, आपने देखा था एक रिजल्ट देखा था जहां पर जेड वाई और नहीं ऐसा नहीं था, आपने देखा था वाई सब स्पेस है एक्स का, आपने कहा था ए with subset of y if y is open then a is open in y if and only if a is open in x, ये कल ही आपने पढ़ा है। ओके ऐसा ही रिजल्ट क्लोज्ड के लिए भी है, सेम रिजल्ट क्लोज्ड के लिए भी फॉलो करता है। लेट x tau be a topological space, okay, and a subset of y, then a is tau y closed if and only ये तो मैं पहले एक मिनट इसको पहले देख लेते हैं, if a is tau y closed if and only if there is a tau closed set f such that a equal to f intersection y. This is one theorem. The result मैं आपको कह रहा था वो ये है, इसे आप ये दोनों आपके exercises हैं। Let x tau be a topological space, okay, and y be closed subset of x. अब याद करो हमने यहाँ पर ओपन लिया था, ओके अभी हम यहाँ क्लोज दे रहे, तो इधर क्या था a ओपन था y में तो a ओपन होगा x में, तो ऐसे यहाँ भी होगा। Then a subset a of y is closed in x if and only if a is closed in y. Okay? So, ये क्योंकि आप इसको पहले कर चुके हैं तो ये फिर से मैं दोनों आपको एक्सरसाइजेस के लिए छोड़ रहा हूँ, दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज, दिस इज आल्सो फॉर एक्सरसाइज। तो ध्यान दो ये tau y closed क्या होता है, tau y closed मीन इसका जो कंप्लीमेंट है वो ओपन होगा y में, ओके वो ओपन होगा y में, तो y माइनस ए बिलोंग्स टू tau y, ये ध्यान देना है। सो कोई किसी का कुछ डाउट हो तो वो अभी पूछ सकते हैं, देन आई विल एंड दिस मीटिंग। सर जो आपने लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उसको एक्सेसिबल कैसे होगा, क्या अपलोड कर रहे हैं लेक्चर जो आपने अपलोड करे हैं वो, आपको कल मैंने लिंक भेजा ना, कल आप लोगों को कोई लिंक नहीं मिला क्या, मैंने मिल गया सर, कल सर लिंक आ गया, मैं उसको ओपन कर रहा तो ओपन हो नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा सर, उसको आप दोबारा लिंक आपको लॉगिन करना, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके सर, स्क्रीन एक बार दोबारा शो कर, हाँ हाँ
सर वो नेटवर्क चला गया था तो सर क्लास में क्या बताया सर, एक बार दोबारा शो कर देंगे हाँ ये है, ये एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी। ओके सर थैंक ओके। Okay then, bye. Okay, thank you.